गृहमंत्री नरोत्तम शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल जी देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है। अपने लोकतंत्र और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हमेशा से ही अपमान किया है, जनता सब जानती है, आपको माफ नहीं करेगी। गृहमंत्री नरोत्तम शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल जी लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इस समय आपका परिवार अपराधी और भ्रष्टाचारी खतरे में है, लोकतंत्र की आड़ में देश को बदनाम मत कीजिए। गृहमंत्री ने कहा, राहुल ना तो देश का सम्मान करते हैं, ना देश के लोगों का, और ना ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं, वो हमेशा ही पत्रकारों का अपमान करते आए हैं। राहुल जी लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है, लोकतंत्र की आड़ मत लो। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, गांधी परिवार खतरे में है, लोकतंत्र की आड़ मत लो। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, भ्रष्टाचारी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अपराधी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पिछड़ों का अपमान करने वाले खतरे में है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि देश की जनता है ये सब जानती है। गृहमंत्री मिश्रा ने छिंदवाड़ा में हुए अमित शाह के दौरे के बारे में कहा, कमलनाथ को गृहमंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा जाने से इतना भय क्यों है, वो तो सिर्फ जनता को संबोधित करने गए थे, आपका भय बता रहा है कि छिंदवाड़ा की जनता ने आपको सत्ता से बाहर करने और विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। कमलनाथ जी इतने चिंतित क्यों हो गए, मेरी समझ में नहीं आया। ये जो घबरा रहे हैं शुरुआत में ही, अभी तो पहली बार आए हैं और उसमें ही बौखलाहट आपकी दिख रही है, सवाल खड़े कर रहे हो आप, वचन दे के आप भूल गए और सवाल उनसे कर रहे हो आप। हम खुद छिंदवाड़ा गए थे, हमने देखा है आपने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर, इतने वर्षों तक छिंदवाड़ा की जनता ने आप कुछ ढोया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोई छिंदवाड़ा को काम नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कमलनाथ जी, सातों में से सात विधानसभा और लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, महासंकल्प लिया है छिंदवाड़ा की जनता ने। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।